ओके सो वेलकम बैक लेजेंड पीपल टू योर लेजेंड चैनल टेक जीनियस। सो गाइस एपेक्स लेजेंड, आई नो गाइस इस गेम के बारे में आप सभी को पता होगा एंड अभी तक तो आप सभी को ये भी पता चल चुका होगा कि ये जो गेम है ये बहुत ही जल्द शट डाउन होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं इसके बारे में तो लोग बिल्कुल भी नहीं बात करने वाले क्योंकि आई होप आपको इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ही पहले पता चल चुका होगा। तो इस वीडियो में इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे। बट गाइस यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके मन में एक ना एक बार तो सवाल उठा होगा कि आखिर इतना बड़ा गेम कंप्लीट शट डाउन क्यों होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में PUBG मोबाइल एंड BGMI के बैंड होने बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैटल रॉयल गेम था Apex Legends। एंड इतनी नहीं गाइस यहाँ पर ऐप स्टोर एंड गूगल के प्ले स्टोर पे ये गेम ऑफ द ईयर भी रह चुका है। तो आखिर इतना बड़ा जो गेम ये कंप्लीट शट डाउन यानी क्लोज क्यों होने जा रहा है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं एंड इस एक वीडियो में आपको वो सारे रीजन बताऊंगा जिसके वजह से Apex Legends जो ये कंप्लीट शट डाउन होने जा रहा है। तो वीडियो काफी ज्यादा कमाल का हो गया, वीडियो को जरूर से पूरा देखना एंड साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले क्यों ना यार अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऐसी ऑसम वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दो। तो चलो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फाइनली बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के बारे में। सो गाइस लेट्स बिगिन। ओके गाइस सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गेम है ये कम्प्लीटली शट डाउन क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करने से पहले लोग बात कर लेते हैं इस गेम के कुछ डिटेल्स के बारे में। तो ये जो गेम ये 16 मई 2022 को गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल के ऐप स्टोर पे लॉन्च हुआ था एंड आते साथ वन वीक के अंदर ये जो गेम है ये गूगल के प्ले स्टोर पे 5 मिलियन डाउनलोड्स को कम्प्लीट कर लिया था। तो ये गूगल पे पहला ऐसा गेम था गूगल प्ले स्टोर पे जिसने वन वीक के अंदर 5 मिलियन डाउनलोड्स को कम्प्लीट किया। एंड 2022 को इंडिया में BGMI बैन होने के बाद इस गेम का जो हाइप है ये और भी काफी ज्यादा हो चुका था। एंड बस इतने नहीं गाइस इस गेम ने लास्ट ईयर यानी एक साल के अंदर ही अंदर 40 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू को जनरेट किया एंड लास्ट ईयर यानी 2022 का ये गेम ऑफ द ईयर भी रह चुका है गूगल के प्ले स्टोर पे एंड एप्पल के ऐप स्टोर पे। तो काफी ज्यादा अचीवमेंट इस गेम ने कलेक्ट किया। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली अब ये जो गेम है ये शट डाउन होने जा रहा है। तो इसके आगे कुछ रीजन के बारे में बात करें तो एक रीजन नहीं है गाइस, इसका काफी सारा रीजन है जिसके वजह से Apex Legends मोबाइल जो ये कंप्लीटली शट डाउन होने जा रहा है बहुत ही जल्द। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारे पहले रीजन के बारे में बात करें तो पहला जो रीजन गाइस ओवर इन ऐप परचेजिंग। आई नो आप जानते हो हर गेम हमें इन ऐप परचेजिंग देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर आप कुछ मनी को स्पेंड करके गेम में रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हो एंड ये हमें BGMI एंड फ्री फायर में भी देखने को मिलता है। बट जो Apex Legends पे ये जो इन ऐप परचेजिंग था ये नेक्स्ट लेवल तक चल गया था। मतलब गाइस यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल आइटम्स भी अगर लेना है तो उसके लिए भी आपको मनी स्पेंड करना पड़ता था एंड जो फ्री आइटम है इस गेम में काफी कम देखने को मिलता था और ये जो चीज है ये यूजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा गाइस अगर हमारे सेकंड रीजन के बारे में हम लोग बात करें तो सेकंड रीजन है गाइस इस गेम के अंदर में बहुत ही ज्यादा ग्लिच देखने को मिलता था एंड बहुत ही ज्यादा बग्स देखने को मिलता था। एंड मैं अगर पर्सनली कहूँ अपना तो मैं भी इस गेम को ट्राई कर चुका हूँ गाइस एंड मैंने भी नोटिस किया था कि इस गेम के अंदर में व्हीकल्स के कंट्रोल के अंदर काफी ज्यादा ग्लिच देखने को मिलता था एंड साथ ही हेवी व्हीकल्स का मैं बात कर लूँ तो ये काफी ज्यादा इसमें हमें ये ग्लिच देखने को मिलता था कि ये स्लाइड करता था। यानी कि गाइस यहाँ पर अगर आप इस व्हीकल्स को यूज करोगे तो ये जैसे कि स्नो में स्लाइड करता व्हीकल्स उस तरह का ये कुछ ग्लिच आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पर यूजर और भी काफी ज्यादा कमेंट करते थे जैसे कि यहाँ पर कभी एमो को ना उठाना, वेपन का चेंज ना होना, फायरिंग बटन का वर्क नहीं करना, तो ये सब ग्लिच देखने को तो मिल ही रहा था। इसके साथ ही जो न्यू अपडेट आया था उसमें जो ओल्ड ग्लिच था ये फिक्स नहीं हो रहा था, उसके साथ ही न्यू अपडेट में कुछ और न्यू ग्लिच देखने को मिला था जिसके वजह से यूजर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था एंड जो इस गेम का हाइप था ये भी धीरे धीरे कम हो रहा था। इसके अलावा हमारे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात कर ले जिसके वजह से ये जो गेम है ये कम्प्लीटली शट डाउन होने जा रहा है तो वो गाइस यूजर से डेवलपर के इंटरेक्ट नहीं कर पाना। तो ये सब जो ग्लिच एंड बग्स देखने को मिल रहा था गेम के अंदर इसका जब यूजर रिपोर्ट कर रहे थे तो सामने से उसका कुछ रिप्लाई देखने को नहीं मिल रहा था यूजर को डेवलपर की तरफ से। तो ये काफी ज्यादा यूजर फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम एंड जो डेवलपर यूजर के फीडबैक में फोकस करने से ज्यादा गेम के इन ऐप परचेजिंग या फिर जो
रोल पास होता है इसे फोकस कर रहे थे, जिससे यहाँ पर गेम का जो अर्निंग है ज्यादा से ज्यादा हो चुके हैं। एंड इसी सब रीजन की वजह से जो गेम का हाइप है ये काफी ज्यादा डाउन जाने लगा। एंड अब फाइनली ये कंपनी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि ये 3 मंथ्स के अंदर जो ये गेम है ये ऑफिशियली शट डाउन होने जा रहा है। तो ये सब रीजन है गाइस इस गेम का शट डाउन होने का। इसके अलावा अगर हम इस गेम के कुछ रेवेन्यू के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस गेम ने 1 साल के अंदर ही अंदर $40 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद जैसे इस गेम का हाइप कम होने लगा तो इस गेम का रेवेन्यू भी कम होने लगा। एंड रिसेंट आप देख सकते हो ओनली $3 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, तो कंपनी ऑब्वियसली लॉस में चल रही है। साथ ही यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हो जहाँ पर जो ग्राफ है ये नीचे जा रहा है एंड ऊपर तभी जाता है जब यहाँ पर इसमें हमें कुछ न्यू सीजन रॉयल पास देखने को मिलता है। सो ओवरऑल ये गेम काफी ज्यादा लॉस में चल रहा है। इसके अलावा यहाँ आप एक और स्टेटमेंट देख सकते हो जहां हमें पता चल रहा है कि इस गेम का जो डाउनलोड है ये भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है लास्ट ईयर से। सो दैट्स द रीजन गाइस गेम का जो हाइप है ये काफी ज्यादा कम हो चुका है, गेम का डाउनलोड भी काफी ज्यादा कम हो चुका है एंड जो कंपनी है लॉस में चल रही है। तो इस रीजन के वजह से जो ये गेम है ये कंप्लीटली शट डाउन होने जा रहा है 3 मंथ्स के अंदर। एंड जो इन गेम आपका जो भी करेंसी है इसे जाके यूज कर लो, क्योंकि आगे जाके ये पूरी तरह से वेस्ट होने वाला है जब सर्वर पूरी तरह से इस गेम का क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार जिन यूजर ने यहाँ पर रोल पास परचेज किया होगा इस गेम के अंदर, इन्वेस्टमेंट किया होगा वेपन के स्किन के अंदर, व्हीकल्स के स्किन के अंदर, तो उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है ये वेस्ट होने जा रहा, तो ये सही है क्या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताओ। एंड गाइस आपको क्या लगता है ये गेम बैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो दोस्तों फाइनली ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप यार वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगा, काफी ज्यादा मेहनत किया मैंने इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर से यार लाइक करना एंड जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक एंड एक चैनल पर सब्सक्राइब हमें एंड हमारे चैनल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करना एंड दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, पता तक टेक इट टू गुड डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।